प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रवचन के। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शैडो रेंजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही शैडो रेंजर जो कि एसपीडी के कमांडर ग्रुगर हैं, जो कि ग्रुगर जब शैडो रेंजर बनते हैं तो आपने देखा है काफ़ी कमाल के लगते हैं। तो क्या शैडो रेंजर जिसने ग्रम से बहुत ही तगड़ी फाइट की थी, क्या वो शक्तिमान को हरा सकते हैं अपनी तलवार के दम पे? जी हाँ दोस्तों, वही तलवार जिसे उन्होंने रख दिया था कि मैं अभी इससे नहीं लड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा कि मैं तलवार उठाऊंगा ही नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो योद्धा को तलवार उठानी पड़ती है, इसलिए उन्होंने तलवार उठाई और बन गए शैडो रेंजर। हाँ, वो कैट ने ही मॉफर दिया था, कैट सब कुछ जानती है, इसीलिए सब कुछ प्री प्लान करके मॉफर ऑफर सब रखे रहती है। तो इसीलिए क्या शैडो रेंजर शक्तिमान को हरा सकता है? तो क्या शैडो रेंजर शक्तिमान को हरा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पे शक्तिमान की पावर ओवर पावर है और शक्तिमान शैडो रेंजर को बड़े ही आराम से नॉकआउट कर देगा। आप लोग बोले मेरी बात इत्तेफाक रखोगे, क्योंकि आप जानते हो शक्तिमान की लिमिट्स क्या है। शक्तिमान बड़े आराम से शैडो रेंजर को हरा सकता है, लेकिन शैडो रेंजर शक्तिमान के लिए एक तगड़ा मुकाबला साबित होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्यों हरा सकते हैं? क्योंकि शैडो रेंजर को शक्तिमान के यूनिवर्स में जाकर शक्तिमान से लड़ना होगा। अगर शक्तिमान एसपीडी के यूनिवर्स में आकर लड़ेगा तो शक्तिमान के पास जो एडवांटेजेस हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो ना कि जिस यूनिवर्स का जो सुपर हीरो होता है उसका यूनिवर्स भी उसकी पूरी कायनात उसके साथ साजिश करती रहती है। तो वही बात है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो शक्ति जो भी जिस भी हीरो का जो भी यूनिवर्स है वहाँ पे वो ओवर पावर रहता है, ज़्यादा शक्तिशाली रहता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सुपर हीरो के यूनिवर्स में। तो इसलिए शक्तिमान जीत जाएगा, शैडो रेंजर हार जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो आप मेरे यूनिवर्स में डिसलाइक भी मार सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट करो, फॉलो करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।